यहाँ पे तो मेरे को लॉ ही नहीं समझ आया। आप कभी रोड पे आप निकलेंगे, आप निकले होंगे, आपका चालान होता है कि आपके पास डीएल नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, ये नहीं है, तो आपको रोके रखते हैं, वरना केस वेस भी हो जाता है। इतना बड़ा चीज़ होगी, इतना बड़ा कांड होगा और आपने उसका डीएल ही नहीं लिया, तो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं पुलिस नेग्लिजेंस है। पहली बात तो ये है, आपने छोड़ फिर कैसे दिया उसे? 15 तारीख को क्या इंसिडेंट हुआ था, कितने बजे अक्षर निकला था, किन किन लोगों के साथ? वो तो 5:30 निकला था अर्ली मॉर्निंग, तो हर संडे जाता बाइक राइडिंग कर रहा है, पहली बार नहीं जा रहा है वो, तो वो निकल गया था। हम तो सो रहे थे, तो हमें तो फिर 7 बजे कॉल आता उसके फ्रेंड का कि उसने उस वक्त नहीं बताया कि ऐसा ऐसा होगा, उसने कहा हॉस्पिटल में सीरियस है। मैंने कहा ठीक है, लग गए देख लेते कि हो जाता है एक्सीडेंट, तो हम गए तो हॉस्पिटल में, तो फिर अब ये पता लगा हमें कि ऐसा ऐसा हो गया। कितने फ्रेंड्स के साथ गया था? नहीं, उसका ग्रुप तो काफ़ी है, पर उस वक्त जो उसके साथ था वो एक ही दोस्त था। अच्छा, हाँ उस वक्त एक दोस्त था, पर बाकी वो जाके अरावली हिल्स, वो जाके कहीं वो मीटिंग पॉइंट होता उनका, वहाँ मिलते हैं वो लोग, तो वहीं जा रहे थे वो, तो ये थी सिचुएशन। तो मैं ये बताइए कि जिस तरह से एक दर्दनाक हादसा हुआ, रॉन्ग साइड की तरफ से गाड़ी आती है, उसमें अक्षर जो है हिट करता है, इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि जमानत उसकी हो गई है, बहुत जल्दी जमानत मिल गई इस तरह की? यहाँ पे तो मेरे को लॉ ही नहीं समझ आया। आप कभी रोड पे आप निकलेंगे, आप निकले होंगे, आपका चालान होता है कि आपके पास डीएल नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, ये नहीं है, तो आपको रोके रखते हैं, वरना केस वेस भी हो जाता है। और आपने इतना बड़ा चीज़ होगी, इतना बड़ा कांड होगा और आपने उसका डीएल ही नहीं लिया, तो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं पुलिस नेग्लिजेंस है। पहली बात तो ये है, आपने छोड़ फिर कैसे दिया उसे? और आपने सेम डे छोड़ दिया, या तो आप उसको रखते हैं कस्टडी में एटलीस्ट 2 दिन, क्योंकि अगले दिन ईद थी, हॉलीडे था, तो हॉलीडे पर तो कुछ एक्शन नहीं होता, तो वो भी मेरे को कहीं से समझ नहीं आया पुलिस का। और अब आप वो लगा के धारे हैं, अब आप उसको पकड़ रहे हैं, अब आप उसे भगा चुके हैं, अब आप उसको ढूंढ रहे हैं, वो तो कहीं भी भाग जाएगा इंडिया के कोने में, अब कहाँ कहाँ ढूंढेंगे आप? तो वो तो थोड़ा मेरे को इस चीज़ में पुलिस का चीज़ ठीक नहीं लगी, नेग्लिजेंस लगा मुझे। ACP गुड़गांव पुलिस से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम फैमिली के साथ हैं, लॉ के अकॉर्डिंग ही हम कर रहे हैं, लेकिन वही सवाल है कि बिना लाइसेंस के जो है गाड़ी पकड़ी जाती है, जमानत दे दी जाती है। हाँ, और आज जाके पुलिस ने जो है MP एक्ट के सेक्शन जो है वो ऐड करे हैं। तो मैं एज आई टोल्ड यू नेग्लिजेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, और हो सकता है मे बी कोई लिंक अपर हैंड ओपर, एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्स तो पूरे लेने चाहिए थे इसके, मेरा ये कहना है। तो गुड़गांव पुलिस ने आप लोगों के साथ कुछ संपर्क किया, कुछ बातचीत की, क्या रहा? नहीं, हमारे साथ कोई संपर्क नहीं करा पुलिस ने, हमारे साथ कोई संपर्क नहीं करा। सेम डे ही था जो उस दिन हुआ था, कि जो रिपोर्ट आएगी वो आएगी, हम आपको 2-3 दिन में जो होता है भेज देंगे या कर देंगे, उसके बाद से तो अब रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं वो। मेरे पास इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उन्हीं का नंबर है, बाकी मेरे को पता नहीं, तो वो तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं कॉल्स का भी। तो भाग ही गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने उसको छोड़ दिया, कहीं भी भाग जाएगा, आप कहाँ ढूंढेंगे उसे, तो कहीं भी भाग सकता है। आपने तो छोड़ा, फिर आप दिखाने के लिए आप कर रहे हैं, हमने बेल वो लगाया, सेक्शन लगाया, आप क्या फ़ायदा उस चीज़ का, ये बताइए आप। अब उसे और आप मेहनत डबल कर रहे हैं, तो बेवकूफ़ी हुई, तो गुड़गांव से निकले कहीं भी भाग जाएगा इंडिया के कोने में, कहाँ ढूंढेंगे आप? और वो तो मेरे हिसाब से उसका रेजिडेंस भी यहाँ किराए पर रहता, 2-2 महीने में स्विच करता रहता था वो, तो फिर कोई ठिकाना ही नहीं है जिस बंदे का, उसका कहाँ ढूंढेंगे आप? तो वो हम तो ट्रैवल इंडस्ट्री में थे, हम दोनों, मेरा भाई और मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में, ट्रैवल एजेंसी में थे हम दोनों, तो हम दोनों उधर ही वर्क करते थे, तो ही वॉज इन डिफरेंट फॉर्म, मैं दूसरी फॉर्म में था, बट दोनों गुड़गांव बेस्ड थे। बाइक चलाने का शौक था? हाँ, बहुत पहले से था बाइक चलाने का शौक, और हाँ काफ़ी टाइम हो गया था चलाते, अभी वो रिसेंटली गए थे हिमाचल, तो ही ऑल्सो ड्रोव 2000 किलोमीटर्स, ये नहीं कि वो पहला ऐसा कोई फ्रेश बाइकर है। हाँ जी, तो ऐसा कोई नहीं, फ्रेश बाइक करनी है कि अभी अभी नया नया बच्चा है वो चला रहा है, वो बहुत पहले से चला रहा था, बचपन से चला रहा है वो। अच्छा, लंबे टाइम से चला? हाँ जी, हाँ जी, और अभी रिसेंटली गए थे, अगर टोल्ड यू हिमाचल गए हैं, तो ही ड्रोव 2000 किलोमीटर, तो आसान बात नहीं है वो भी, आप यू नो कि कैसे रोड्स होते क्या होते, तो गुड़गांव में चलाना कोई ऐसे रोड्स पर, इतनी अच्छी रोड्स हैं यहाँ तो उसके बाद भी ये चीज़ हो रही है। और जो उसका कहना था कि गूगल मैप्स गलत दिखाते हैं आपको, NH8 पे रॉन्ग वे कौन लेकर जाएगा, कौन सा गूगल मैप लेकर जाता है, ये मैंने सुना कहीं कि गूगल मैप मेरे को लेकर जाता है रॉन्ग, तो कंप्लीट बुलशिट है। तो इससे पहले क्या कभी इस तरह का एक्सीडेंट हुआ तो नहीं हुआ? अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं, छोटा मोटा कुछ हो गया तो अलग बात है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था कभी भी कि ऐसा कोई सीरियस एक्सीडेंट हुआ उसका जहाँ पर ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था उसके साथ। और जैसा एज आई टोल्ड यू, गाड़ी पहली बार नहीं चला रहा है वो, इज़ एन एक्सपीरियंस राइडर। तो क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग पुलिस से और
गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? पुलिस से ही डिमांड है कि जो प्रोसेस स्लो डाउन कर रखा है वो ना हो। आई डोंट नो क्यों हो रखा है स्लो डाउन, इतना क्यों वो धीमे धीमे काम कर रहे हैं, क्या ऐसी मजबूरी है पुलिस की कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्या डर है? तो मेरे को नहीं पता क्या डर है ऐसा, पर उनको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा इन चीज़ों में, जितना आप लेट करेंगे तो भागता रहेगा। तो यही डिमांड है कि जस्टिस मिले, एंड हम दो ही थे करने वाले घर में, तो अब तो मेरे तो एक शोल्डर चला गया, आई एम द ओनली वन, तो कहीं ना कहीं वो भी आई नीड की कुछ फाइनेंशियल हेल्प, ये तो स्टेट गवर्नमेंट है जो भी है दैट वी वांट। एक आखिरी सवाल, कल आप लोग कुछ प्रदर्शन वगैरह करने वाले हैं? नहीं, मैं नहीं करने वाला हूँ, उसके फ्रेंड प्रद्युमन उन्हीं का आया था कि वो कुछ जो बाइक कम्युनिटी होती है वो लोग करने वाले हैं, तो मैं तो खैर शामिल नहीं हो सकता क्योंकि मेरे रिचुअल्स हैं कल फाइनल राइट्स, तो मेरे को करने, तो मैं तो नहीं आ पाऊँगा। फैमिली वगैरह कोई जाएगा? मोस्टली शायद नहीं जाएंगे कोई, क्योंकि सब इधर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कल फाइनल हवन होगा, तो शायद कोई नहीं जाएगा, वो लोग करेंगे उनका कहना है।